हेलो एवरीवन, आज एक डाउट आया था स्टूडेंट्स का कि वो गंगा को बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे, रिवर गंगा को बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे। तो एक जो बहुत कॉमन डाउट हमको क्लास में देखने को मिला था, तो इसीलिए इसके एक वीडियो बना दे रहे हैं। बहुत बच्चों को ये लगता है कि ये जो गंगा रिवर है ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करता है। बहुत बच्चों का ये डाउट है कि गंगा रिवर जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करता है, लेकिन ये एकदम गलत कॉन्सेप्ट है, ये एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मत मानो। आज जो बता रहे हैं वो सुनो। गंगा रिवर जो है ना, वो दो रिवर के मिलने के बाद, ध्यान से सुनना, दो रिवर के मिलने के बाद, एक का नाम है भागीरथी, एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। एक का नाम है, एक सेकेंड, एक का नाम है अलकनंदा। एक का नाम है अलकनंदा। इन दो रिवर के मिलने से, ये दो हेड स्ट्रीम के मिलने के बाद, ये जो रिवर निकल रही है ना, इस रिवर को बोलते हैं गंगा रिवर। तो ये जो डाउट है, डाउट था बहुत सारे बच्चों का कि गंगा रिवर जो है, ये गंगा रिवर हो गई, गंगा रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है गंगोत्री से, ये गलत कॉन्सेप्ट है। बल्कि गंगा रिवर बनती है भागीरथी और अलकनंदा रिवर के मिलने से। और ये जिस जगह पे मिलता है ना, ये दोनों रिवर जिस जगह पे मिलते हैं, इनको कहते हैं देवप्रयाग, इनको कहते हैं देवप्रयाग। अब ध्यान से सुनो, ये जो भागीरथी रिवर है ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ये रिवर निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और ये रिवर निकलती है सतोपंत ग्लेशियर से, सतोपंत ग्लेशियर से। और इसके बाद ये दो रिवर मिलते हैं देवप्रयाग, जो कि है उत्तराखंड में, ये है उत्तराखंड में। और यहां से रिवर निकलती है गंगा, और जो कि आगे चली जाती है। अब रिवर गंगा किन किन स्टेट से फ्लो करती है वो देख लो। रिवर गंगा फ्लो करती है सबसे पहले तो उत्तराखंड हो गया, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, यूपी बिहार, झारखंड, झारखंड। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि झारखंड में कहां है रिवर गंगा। है झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है साहेबगंज, साहेबगंज। और इस डिस्ट्रिक्ट के एकदम से नॉर्थ में, ये एकदम नदन डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, इस डिस्ट्रिक्ट के एकदम नॉर्थ में रिवर गंगा दिखती है। उसके बाद फिर दिखेगी रिवर गंगा वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद रिवर गंगा से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है, उसको बोलते हैं हुगली। उसके बाद रिवर गंगा से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है, उसको बोलते हैं हुगली। और उसके बाद रिवर गंगा का जो एक पार्ट है वो सीधा चला जाता है बांग्लादेश में, रिवर गंगा का जो एक पार्ट है वो सीधा चला जाता है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में रिवर गंगा को पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। फिर से बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले रिवर गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से नहीं निकलती है, रिवर गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से नहीं निकलती है। रिवर गंगा बनती है गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपंत ग्लेशियर से निकलने वाले दो रिवर से। गंगा रिवर बनती है गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपंत ग्लेशियर से निकलने वाले दो रिवर से। तो पहला रिवर तो हो गया भागीरथी, पहला रिवर हो गया भागीरथी, दूसरा हो गया अलकनंदा। पहला हो गया भागीरथी, दूसरा हो गया अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं देवप्रयाग में, भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं देवप्रयाग में। यहां से रिवर गंगा फिर निकलना शुरू होती है। ये दो हेड स्ट्रीम है, ये दो जो है रिवर गंगा के हेड स्ट्रीम है। इन दो हेड स्ट्रीम के मिलने से रिवर गंगा बनती है, रिवर गंगा आगे निकलती है। अब रिवर गंगा किन किन स्टेट से फ्लो करती है, तो सबसे पहले तो उत्तराखंड, सबसे पहले उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड। यहां पर डाउट हो जाता है कि झारखंड में कहां से फ्लो करती है, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट है साहेबगंज, वहां से। फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में रिवर गंगा से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है जिसको बोलते हैं रिवर हुगली। और रिवर गंगा फिर स्ट्रेट फ्लो करती है और जाती है बांग्लादेश में, जहां पर रिवर गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। और फाइनली रिवर गंगा जो है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, फाइनली रिवर गंगा जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है,
अब रिवर गंगा का ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी हम एक वीडियो में अपना बता चुके हैं, तो जिनको नहीं पता है वो वहां से देख ले। अब रिवर गंगा का ट्रिब्यूटरी देखते हैं, तो रिवर गंगा का जो सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है वो है रिवर यमुना। रिवर गंगा का जो सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है वो है रिवर यमुना। अब एक बात सुन लो, गंगा का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी यमुना है, और इंडिया में भी सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी यमुना है। रिवर गंगा का भी सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी यमुना है और इंडिया का भी सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी यमुना है। यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। गंगा निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और गंगा का ये जो यमुनोत्री ग्लेशियर है ये है बंदरपूच पीक पे जो कि हिमालयस में आता है। बंदरपूच पीक यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि हिमालयस में आता है। यमुना के भी कुछ अपने ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि चंबल रिवर, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। केन, सिंध और बेतवा, चंबल, केन, सिंध और बेतवा, ये यमुना के ट्रिब्यूटरी है। यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और यमुना गंगा से कहां मिलती है प्रयागराज अलाहाबाद में। तो इस चीज को भी नोट कर लो कि यमुना गंगा पे कहां मिलती है, प्रयागराज में। यमुना जो है वो गंगा से मिलती है प्रयागराज यूपी में। इसको पहले अलाहाबाद बोलते थे, बाद में नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया है प्रयागराज। तो यमुना गंगा से मिलती है प्रयागराज यूपी में, और यमुना के कौन कौन से ट्रिब्यूटरी हैं, चंबल, केन, सिंध और बेतवा। तो ये हो गया। उसके बाद एक दो चीज और देख लेते हैं।